भारत के त्रिपुरा में उनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई लाखों रहस्यमय मूर्तियां स्थित। ये मूर्तियां किसने, कब और क्यों बनाई, इस गुत्थी को अभी तक कोई नहीं सुलझा पाया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि त्रिपुरा के इन अनछुए जंगलों में देवी देवताओं की 99,99,999 मूर्तियां मौजूद हैं। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी लाखों बेहद रहस्यमय मूर्तियां चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। क्या आप जानते हैं कि इस जगह को उनाकोटी क्यों कहते हैं? दरअसल उनाकोटी एक बंगाली शब्द है जिसका मतलब होता है एक करोड़ से एक कम। माना जाता है कि यहाँ के पत्थरों में देवी देवताओं की 99,99,999 तराशी गई मूर्तियां। क्या है इन मूर्तियों का रहस्य? वैसे तो इन मूर्तियों से जुड़ी कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प है त्रिपुरा के माणे के राजाओं द्वारा लोकप्रिय की गई कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी का खास शो सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं रहस्यमय मंदिरों से जुड़ी कुछ खास कहानियां। इस कहानी का संबंध है भगवान शिव से। कहते हैं उनाकोटी के इन्हीं जंगलों से होते हुए शिव जी काशी जा रहे थे और एक रात यहीं रुक गए। उनके साथ इस यात्रा में 99,99,999 देवी देवताएं मौजूद थे। शिव जी ने उन सभी को सूर्योदय से पहले उठने को कहा था, लेकिन अगली सुबह जब कोई भी समय पर नहीं जागा तो उन्होंने सभी को श्राप देकर पत्थर में तब्दील कर दिया। इस जगह से जुड़ी एक अन्य कहानी ये भी है कि इस जगह एक कालू नाम का एक शिल्पकार रहा करता था, जो इस इलाके में भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसे में अपनी भक्ति से वो भगवान शिव और माता पार्वती को खुश करके उनके साथ कैलाश पर्वत पर रहना चाहते थे, लेकिन पृथ्वी लोक से किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं था। जाहिर है भगवान शिव ने उन्हें इस बात के लिए मना कर दिया, लेकिन कालू अपनी जिद पर अड़े रहे। ऐसे में भगवान शिव ने उनके सामने एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक उन्हें एक रात में 1 करोड़ यानी कि 1 कोटि मूर्तियों का निर्माण करना था। भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर रहने के लिए रखी गई इस शर्त को पूरा करने के लिए कालू तन मन से अपने काम में जुट गया। रात भर में उन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया, लेकिन सुबह गिनती के बाद मालूम चला कि ये 99,99,999 मूर्तियां ही बन पाई, यानी 1 करोड़ में एक कम। ऐसे में शर्त पूरी नहीं हो सकी और भगवान शिव और पार्वती के साथ वो कैलाश नहीं जा सके। अब जानते हैं कि इस जगह के बारे में पुरातत्व विभाग क्या कहता है। विश्वास से हटकर देखें तो पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जगह 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनाई गई है। टूरिस्ट इसकी तुलना अमेरिका के माउंट रशमोर से करते हैं, जिस पर US प्रेसिडेंट की कार्विंग्स बनी हुई है। ऐसी ही एक और जगह है कंबोडिया के बेयोन के मंदिर। बता दें कि कंबोडिया के मशहूर बेयोन मंदिर में भी ऐसे ही बड़े बड़े चेहरे बने हैं। यहाँ अलग अलग पत्थरों को जोड़कर उस पर मंदिर बनाकर फिर पूरे मंदिर को चेहरे के रूप में तराशा गया है। कहते हैं कि यहाँ की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। उनाकोटी में ऐसी कई मूर्तियां हैं जो प्राचीन बास रिलीफ स्कल्पचर से मेल खाती है, जैसे करीब 30 फीट ऊंची काल भैरव की भव्य मूर्ति। वहीं कुछ और शानदार मूर्तियों में शामिल है नंदी, गणेश और दुर्गा की रॉक कट कार्विंग्स। उनाकोटी की ये रहस्यमय मूर्तियां कब बनी और इन्हें किसने और कैसे बनाया, ये गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। लेकिन एक बात तो पक्की है कि एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई इतनी सारी भव्य मूर्तियां भारत में किसी अजूबे से कम नहीं रही। तो ये थी सागा अनफोल्डिंग द स्पिरिचुअल पाथ में आज की रहस्यमय कहानी। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।